नमस्ते, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं upnewsclick.com। जैसा खड़े हैं आप, पीछे प्राइमरी स्कूल है। 2017 में जब योगी सरकार बनी, तो एक साल बाद या 6 महीने बाद कह लीजिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया स्कूलों की कायाकल्प पे। कायाकल्प की योजना चली, प्रधानों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप गांव का काम छोड़ के कायाकल्प पे, स्कूल के कायाकल्पों पे ध्यान दीजिए, वहाँ की जो मरम्मत है, बाउंड्री वॉल है, ये सारे कार्य उनको कायाकल्प के अंतर्गत, आप गांव में कोई भी विकास मत करवाइए। यही कायाकल्प हम देखने के लिए आ पहुँचे हैं पूरा ब्लॉक के ग्राम सभा हैसा में, और ये प्राइमरी का विद्यालय है। हमने जब इस गांव में प्रवेश किया तो यहाँ ना विद्यालय पे किसी बिल्डिंग पे नाम विद्यालय का दिखा और ना गांव का नाम। अगर हम पहचान करेंगे तो ये भी नहीं पहचान कर सकते ये कौन सा विद्यालय है। तो इसके लिए हम यहाँ बाकायदा खड़े हैं, यहाँ के मैडम से पूछेंगे कि स्कूल का क्या नाम है और ये किस वजह से हुआ कि जो यहाँ स्कूल पर नाम क्या है और बिल्डिंगें इतनी जर्जर हैं, ये क्या हो। यही कायाकल्प के बारे में हम जानकारी लेने इस स्कूल में आए हुए हैं। मैम जी, आप हमें पता स्कूल पे नाम कब से नहीं लिखा गया है? सर, ये जब कायाकल्प हुआ है इलेक्शन के पहले, हाँ। तो यहाँ पे जो कुछ जिन लोगों को यहाँ पे टेंडर दिया गया था काम करवाने का, हाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पेंटिंग करवाई, तो फिर वो पेंटिंग में वो सब साफ हो गया, हाँ। तो मैम ने कहा इसके लिए कि हमारा यहाँ पे नाम लिखा था, क्योंकि आए दिन हमको कुछ ना कुछ फोटो खींच के भेजनी होती है, हाँ। तो इससे पता चले कि हमारा ये स्कूल है, हाँ। तो हट गया। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बोर्ड पे, हाँ। प्राथमिक विद्यालय मोरमपुर अर्थी शिक्षा क्षेत्र पूरा लिख करके जो भी होता है कार्यक्रम, चाहे यहाँ हुआ या, मतलब एक बोर्ड पहले लिखती है, दीवार पे चिपका है, उस तक फोटो खींची जाती है, वहाँ पे था। तो फिर हम जैसे चाहे, ये सारी परेशानियां, आप किस पद पे तैनात? हम यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद, सहायक पद। यहाँ जो प्रधानाध्यापक हो, किस लिए नाम मौजूद है? वो आज सीएल पर है, उन्होंने अपना अवकाश लिया है क्योंकि कैजुअल छुट्टी, हाँ, कैजुअल छुट्टी पर है वो, क्योंकि उनको कहीं अर्जेंट जाना था हॉस्पिटल वगैरह दिखाने किसी को, हाँ। किसी के साथ तो आज वो नहीं आ पाए। अच्छा, तो ये प्रधान जी से या किसी से कहीं ये सारी सुविधा? सर, जैसे कि हम आप ऊपर अधिकारी है, बीएससी खंड शिक्षा अधिकारी, हमारी जानकारी में जो है मैम, कई बार वीडियो ऑफिस में गई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, यहाँ की छाया चित्र फोटोग्राफ उन्होंने मोबाइल से निकलवा के वो दिया है कि आप कायाकल्प में कुछ सुधार हो, तो वहाँ तक बात पहुँची है, लेकिन अब उसके आगे कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब कागज के द्वारा लिखित शिकायत भी हमारे पास है, बस मौजूद इस टाइम हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि मैम नहीं है, मैम नहीं है, इसीलिए आप देने। कायाकल्प दो बिल्डिंगों का हुआ, हम जैसा देखे हैं जब बाहर प्रवेश किए तो दो रूमों का हुआ है। ये इस रूमों का जब नहीं हुआ है जो हम देख रहे हैं, हम अपने हिमांशु भाई से कहेंगे कि वो दिखाएं जो बीम पे पड़ा हुआ है, कि ये जो प्लास्टर है मसाले छोड़ देते हैं, अगर बच्चे के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार शायद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो इसके लिए, इस सारी दिक्कतें के लिए आपको सामना कैसे करना पड़ता है? सर, अब जैसे हमारी मजबूरी है क्योंकि फोर्थ छोटे क्लास को हम साथ में कंबाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन फोर्थ फिफ्थ का है तो हमको अलग करना पड़ता है, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ बैठाना पड़ता है एक क्लास को, मजबूरन बैठाना पड़ता है। और आए दिन बरसात में भी कभी मिट्टी गिर रही है, कभी बच्चे बैठे रहते हैं फिर भी कभी बालू गिरती है ऊपर से, कुछ भी होता रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं, अच्छा बेटा वहाँ से हटा लो बेंच, यहाँ इधर खिसका लो, हम अपनी कुर्सी हटा लेते हैं, अब हमारी मजबूरी है पढ़ाना, तो हम स्कूल में भी तो व्यवधान है। इसकी शिकायत भी कहीं की है, आप लोगों ने बताया? अब जैसे कि हम, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे सहायक अध्यापक पद पर हैं और है हमारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक, तो वो कई बार उन्होंने कहा है, हम सुनने में भी आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमने शिकायत दर्ज की है, कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन शिकायत दर्ज की है लेकिन काम नहीं हुआ। कहाँ शिकायत दर्ज हुई है? अभी एप्लीकेशन देती है वीडियो ऑफिस, किस वीडियो ऑफिस? हाँ। अच्छा, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? अब वो कहते हैं कि हम देखेंगे जो भी होता है, जैसे मैम जाती है सर, हम प्रधानाचार्य से आपके सामने कभी प्रधान जी की बात हुई है कभी? नहीं सर, प्रधान जी से। आप कितने सालों से यहाँ तैनात हैं? सर, हम पिछले मतलब हमारी एक साल हमें यहाँ पे नौकरी करते हुए हो गया है, और एक साल से ऐसे पड़ा, ऐसे ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहा जाए कि एक साल से ऐसे पड़ा हुआ है, योगी सरकार 2018 में ये योजनाएं शुरू की थी कायाकल्प के द्वारा, प्राइमरियों विद्यालय का जो कायाकल्प करना था वहाँ सुधार, ये टाइल्स लगवाना था, मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को जो मट्टी लगती है, बैठने के लिए जगह नहीं, जमीन में बैठना पड़ता है, इसी उद्देश्य से कायाकल्प का योजना शुरू किया गया। लेकिन हम जब प्राइमरी स्कूल में आए तो दीवारें अलग दिख रही हैं और छतें जो हैं वो अलग टूट रही हैं, तो यही है।
कक्ष के साथ साथ शौचालय का भी कायाकल्प होना चाहिए। शौचालय का भी दिक्कत है तो शौचालय आज दिखा दीजिए आप। सफाई कर्मी आते हैं यहाँ कभी? जी नहीं, सफाई कर्मी हफ्ते में या कभी कभार एक बार वो आते हैं। सफाई कर्मी आते हैं कि कोई को रखा गया? मेरे ख्याल से सर गाँव वालों से जब हमने पूछा तो ये हमारे भी सुनने में, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, ये कहा जाता है कि सफाई कर्मी ने किसी को रखा हुआ है और वो भी जो है तब रोज नहीं आते हैं। शौचालय यहाँ का दिखाएंगे आप? बिल्कुल, आप चलिए। जो मेन सरकार की उद्देश्य है मेन, वो नहीं पहुंच पा रहा। अभी इस बच्चे क्या यूज करेंगे आप लोग? आ जाइए पास में मैडम, ये आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी मैम। सर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है सब महिला स्टाफ है। हाँ। तो आप हम कैसे मैनेज करते हैं इसके लिए? प्रधान जी से नहीं कहती है? ये कई बार कायाकल्प में भी शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा वही उतना देखिए आप देख रहे हैं सामने। हाँ। वो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद इसी को मेंटेन करा करके इलेक्शन में जरूरत थी इसकी, तो मतलब जब चुनाव होता है तो थोड़ी बहुत मरम्मत करा दी जाती है। उसके बाद कुछ गाँव वाले भी होते हैं कि इसका ताला तोड़ देंगे, इसकी सीट तोड़ देते हैं, कई कुछ उनका बाउंड्री वाल ना होने से बहुत ही दिक्कतें हैं। आप हमें पहले बता रहे थे कि इस स्कूल के जो बाउंड्री वाल नहीं है। हाँ। तो यहाँ शिक्षक जो हैं वो महिला हैं, सारी महिलाएं हैं। हाँ। तो उनको भी दिक्कत होती है, गांव वालों से परेशान। सर ये तो आपके सामने ही है कि बाउंड्री वाल ना होने की वजह से कितने लोग का यहाँ पे इन्वॉल्विंग हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद दिखा भी सकते हैं ये चीज कि हाँ। जिनके जरूरत नहीं है उनका भी आना जाना यहाँ हमेशा लगा रहता है। हाँ। और रोड होते हुए भी लोग स्कूल से जो है गाड़ियां लेके जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, मतलब स्कूल से ही रास्ता बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब स्कूल का ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए गाँव वालों की पूरी इन्वॉल्विंग है, कोई इसकी शिकायत सिर्फ एक ही दो बार की जाती है, बार बार करती है। तो इसकी शिकायत हमने अगर अच्छा जब कोई लड़का या कोई वो आता है बदतमीजी की तरह पेश आता है तो इसकी शिकायत आप 100 नंबर या 112 नंबर पे आप करती हैं? हम यहाँ पे हमारी इंचार्ज थी, हमारी मैडम जी छुट्टी पर थी, तो 2-3 बार हमारे स्कूल के ताले तोड़ लिए गए हैं। तो जब इसे कहा गया, मतलब शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस को फोन किया गया, तो वो आते हैं कहते हैं कि जो है ठीक है हम देख लेंगे। ये होता है कि नहीं, हम नाम बता रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन बता रहे हैं कि कौन ये किया है, तो मना करते हैं, हमको कहते हैं नहीं आप रहन दीजिए, क्यों मतलब विवाद बढ़ेगा, इसलिए कहते हैं कि हम देख लेंगे रहन दीजिए। फिर भी हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ के थाने से 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमको अपना नंबर दिया कि अगर ऐसा कुछ ऐसी कुछ कोई भी सिचुएशन होती है कि आपको लगती है बहुत बड़ी समस्या है आप हमें फोन कीजिए, हम तुरंत आकर आपकी समस्या। ये आप कह रहे हैं कि 100 नंबर वाले नहीं सुनते हैं, और जो बीट अधिकारी होते हैं, जो यहाँ बीट के आरक्षी होते हैं, वो सुनते हैं, वो आते हैं कि हाँ वो आश्वासन देते हैं कि अगर कोई ऐसा होता है, लेकिन 100 नंबर जो सरकार के पर्पस से लगाए गए वो कोई ध्यान नहीं। ये दोनों बिल्डिंगों का हुआ है तो इसमें लाइट और कोई व्यवस्था हुई है? लाइट के लिए वही जब इलेक्शन में काम था तो उसमें भी क्या कहते हैं वो करवा दिया गया था कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए। हाँ। कहीं से भी अरेंज करके तार वगैरह लगवा के, बाकी तो मेरे ख्याल से केवल इलेक्शन में बच्चे गर्मी में ऐसे। हाँ, बैठे रहते बच्चे हैं। हम सब गर्मी में ऐसे ही रहते हैं। अच्छा तो ये कितने बच्चे हैं यहाँ की संख्या? यहाँ पे क्या कुछ संख्या 153 है। आज कितने आए हुए मैडम? आज यहाँ पे 62 बच्चे आए हुए हैं। 62 बच्चे। हाँ। तो उनकी आप हमें रजिस्टर दिखाएंगे? 62 बिल्कुल बिल्कुल दिखा दीजिए। तो आइए आप, जो आप यहाँ की इंचार्ज हैं, आज एक दिन के लिए इंतजार बनाई गई, इंचार्ज बनाई गई है, तो हम आप ही के थ्रू देखेंगे क्या है क्या नहीं है ना। अंशु जी से कहेंगे कि ये रजिस्टर की फोटो दिखाएं, क्या है क्या नहीं है, हम इसी के हिसाब से बात करेंगे। 30 बच्चे इसमें, तो मैम कहीं लिखा जाता है ना टोटल कितने आए हुए हैं आज की टोटल? जैसे ये इधर पीछे भी है ना। हाँ। तो ये होता है क्योंकि बच्चे जो है खेत में काम भी करते हैं, जैसा कि हम आपसे इनसे मिलवा देते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो खेत में। अच्छा ये आज की डेट क्या है? 26 तारीख है। 26 तारीख, तो आज की लंच के बाद हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि लंच के बाद कंप्लीट, तो ये डेली का नियम है मैम लंच। अच्छा इसमें लगा है और ये पीछे हम ऑप्शन चढ़ा देंगे। अच्छा और ये सर तो मतलब शुरुआत में नहीं लिखती है मैम? शुरुआत में क्यों लिखते हैं, जैसे कि अभी हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग क्या, आपके प्रधानाध्यापक हेडमास्टर जी का क्या नाम है? आपका क्या नाम, क्या नाम है हेडमास्टर का बेटा? अरे बताओगे अपने यार टीचर का नाम? हाँ क्या नाम है? श्रीमती मनोरमा साहू। मनोरमा साहू डेली आती है मैडम जी? और ये मैडम जो साथ में है खड़ी है हमारे, श्रीमती साहू पढ़ने नहीं डेली आती है ये भी पढ़ाने? 9 बजे आ जाती। जब आप लोग स्कूल आते हैं तो ताला खुला रहता है कमरे का कि बंद रहता है? बंद रहता है। कितने बजे आ जाते हो घर से? जल्दी आ जाते हो? 9 बजे।
तब भी बंद रहता है? पहले खुला रहता है सर। अच्छा, जब पहले आ जाते हो तो बंद रहता है, बाद में आते हो तो बंद रहता है? यार कुछ तो बोलोगे। पहले आते हैं तो, पहले आते हैं तो बंद रहता है। किस क्लास में हो आप लोग? फाइव। हाँ, फाइव। कौन कौन नहा के आया आज ये बता दो। वो नहीं आते ना तो हम यहाँ नहलवाते हैं, इसलिए वो नहा के आते हैं। अच्छा, जब आप लोग नहीं नहा के आते हैं तो मैडम जी नहलवाती हैं? यस सर। हाँ यस सर। अभी क्या पढ़ रहे थे आप लोग? मैथ। मैथ में क्या पढ़ रहे थे आप? कापी बिना वैसे खोल के मैथ पढ़ रहे थे? मैथ वैसे पढ़ा जाता है? हम तो पढ़े हैं भैया मैथ, तो कापी किताब लेके पढ़े हैं, पेन रहते हैं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं? बड़े शर्मा रहे हो आप लोग। चलिए आगे हम दिखाते हैं यहाँ के खाना। आप लोगों को खाना मिलता है? आज क्या मिला? दाल चावल। दाल चावल। कल क्या मिला था? सब्जी, सब्जी रोटी। मैडम को क्या देख, मैडम बताएंगी? मैडम के चेहरे पे लिखा है क्या? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। और कुछ मिला? और सर केला। केला मिला। कल कौन सा दिन था? सोमवार। सोमवार। चलिए, जैसा देखे मैडम के हिसाब से जो बताने बताया गया सारी व्यवस्थाएं ठीक है। बस केवल यही है कि कायाकल्प के माध्यम से हर कमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि ना लाइट की व्यवस्था, चुनाव तक। आंगनबाड़ी, ये आंगनबाड़ी है, यहाँ आंगनबाड़ी बैठती है। इसी प्राइमरी विद्यालय के यही बिल्डिंग में आंगनबाड़ी भी चलती है, लेकिन इतने छोटे मासूम बच्चे हैं, ना इनके ऊपर अधिकारी कोई लेते हैं कि यार, और ना कुछ। तो कहा जाए जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। इसी में आंगनबाड़ी भी चलता है। अगर बच्चों को, मासूम बच्चे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्य से, तो इसका जिम्मेदार शायद कोई नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी कमियां क्या हैं। अच्छाइयां ना बताइएगा। धन्यवाद।